so hello guys welcome back to source study channel and today we are going to discuss about unit 4 section 3 that is the river chapter part 1 so let's get started unit 4 section 3 the river the river is a wanderer a nomad a tramp malavik river वेंडरर है वेंडरर मतलब वो कहीं भी जगह जगह पर घूमता रहता है मतलब उसका एक फिक्स जगह नहीं है वो नोमैड है ट्रैम्प है मतलब कहीं भी रह लेते हैं ट्रैम्प लोग वैसे ही ये लोग हैं एक जगह पर वो लोग का हैबिटेट नहीं रहता वो लोग अलग अलग, अलग जगह पर जाते रहते हैं हमेशा ही डजेंट चूज एनी वन प्लेस टू सेट अप हिज कैंप वो कहीं कोई एक जगह चूज नहीं करता वो हमेशा इधर से उधर रिवर जहाँ फ्लो होता रहता है द रिवर इज अ वर

जो एक रिवर होता है वो एक सीक्रेट ट्रेजर के तरह मतलब सीक्रेट जगह के तरह होता है जहाँ पर हम लोग कोई भी चीज़ को स्टोर कर सकते हैं या फिर कोई भी चीज़ अपने आप स्टोर हो जाता है एंड ही बरी इज डाउन डीप मतलब वो कोई भी सामान को नीचे डीप नीचे बरी कर सकता है मतलब दबा के छुपा सकता है दो लिटिल ट्रेजर्स वो छोटे छोटे ट्रेजर्स आप लोगों ने देखा होगा नीचे गिरे पड़े काफी सारी चीजें मिल जाती है कभी कभी कचड़े भी मिलते हैं वही सब यहाँ पे बोल रहा है कि वो नीचे ये बैठा लेती है रिवर और वो छुप जाते हैं दैट ही वॉन्ट टू कीप और वो ऐसा बताया जा रहा है पोएम में कि वो उसको रखना चाह रही है जा रहा है रिवर इसलिए वो नीचे चला आता है द रिवर इज अ बेबी अब रिवर यहाँ पे बोला जा रहा है रिवर एक बेबी भी है अभी तक यहाँ पर हुआ है विंडर होल्डर और अब बोला जा रहा है कि वो बेबी भी है ही गगल्स एंड हम्प्स एंड साउंड लाइक ही इज हैप्पी सकिंग इज थम्प्स और ऐसा लगता है कि वो एक मतलब बेबी है कि वो इतना हैप्पी रहती है और ऐसा लगता है कि वो हमेशा अपना अंगूठा चूसती रहती है जैसे बेबी लोग चूसता है वैसे ही और गगल्स मतलब होता है गगल गगल मतलब जैसे आवाज़ आता है सुई सुई पानी का फ्लोट करने का तो वही आवाज़ का यहाँ पर बात हो रहा है तो वैसा ही आवाज आता है तो ये यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि वो एक बेबी की तरह भी लगता है इस आवाज़ को देखते हुए और वो काफी हैप्पी लगता है इस आवाज़ को देखते हुए द रिवर इज सिंगर अब यहाँ पे बोला जा रहा है रिवर सिंगर भी है एज ई डांस एलोंग जैसे जैसे वो चलता है तो ऐसा लगता है कि वो डांस कर रहा है इसलिए वो सिंगर भी हो सकता है दंट्री साइड इकोज द नोट्स ऑफ सॉन्ग और इसके uh, साउंड करने से मतलब जब वो सिंग करता है या मतलब जैसे डांस अगर करता है तो फिर उसका जो आवाज़ है पानी का वो पूरे कंट्री में ऐसे इको टाइप का करने लगता है ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है द रिवर इज़ अ मॉन्स्टर हंगर एंड वेक्स्ट ही इज़ गोबल्ड अप एंड ही विल स्लो यू नेक्स्ट रिवर एक मॉन्स्टर की तरह है काफ़ी वो हंगरी होता है मतलब भूखा होता है एंड वेक्स्ट वेक्स्ट मतलब कोई भी चीज़ को डुबा सकता है ही गॉगल्ड अब ट्रीज मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो ट्रीज को भी निकल सकता है अपने के अंदर एंड ही विल सॉलो यू नेक्स्ट और यहाँ पे थोड़ा सा डराने के लिए पोइट ने लिखा है तुम तुमको भी वो सॉलो कर सकता है अगले बार और इस पोएम के पोइट है वेलरी ब्लूम वेलरी ब्लूम 1956 में बॉर्न हुए थे और वो एक पोइट है एंड नोवलिस्ट भी है बॉर्न इन जमेशिया